तो हेलो नागपुर कर, आज के इस नए व्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आ चुके हैं तांडव आर्ट में, जिसका हमने सबसे पहले जो है वीडियो बनाया था, लेकिन तब जो है मूर्तियाँ बनकर रेडी होने की थी। तो अभी जो है हम फिर से आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है भाई बहुत ही सुंदर सुंदर और मनमोहक जो है भाई गणपति बापा जी की मूर्ति बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी जो है मैं आपको पूरा सिनेमेटिक शॉट में जो है दिखाने वाला, तो आइए चलते हैं। सो दोस्तों, जो तांडव आर्ट के जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है, तो भैया हमारे साथ है पवन भैया। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, सभी जो है गणपति बापा जी की मूर्ति जो है रेडी हो चुकी है कलरिंग करके। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जो है भैया ने मूर्ति बनाया है। तो अभी जो हम भैया से जानेंगे कि कहाँ की जो है मूर्ति आए, तो भैया कहाँ की मूर्ति आई? ये है गोकुलपेट का राजा। गोकुलपेट का राजा, ये है गोकुलपेट का राजा है, ठीक है। ये माड़ा कॉलोनी ने रेडी हो चुकी है, कल जाने वाली है। कल जाने वाली है? हाँ, ये कल जाने वाली है। ये गोलीपुरा है, धर्मपेट में गोलीपुरा है। ये बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ, इसमें तीन मिक्सिंग है, मतलब हनुमान जी पैटर्न है, ठीक है। एलिफेंट फेस है, आप जो फेस है ये, ये एलिफेंट का फेस जो है ये इंडियन है। और ये अफ्रीकन है, कान जो है वो मिक्सिंग की है इसमें। और ऊपर से बालाजी है, पीछे का आर्ट जो है वो भी बालाजी रहेगा। मतलब तीन पैटर्न में मिक्सिंग करा हुआ है इसको, बहुत बढ़िया लुक लग रहा है। और ये है झिंगाबाई टकली का। झिंगाबाई टकली, हाँ झिंगाबाई टकली का। इसमें थोड़ा सा वर्क बचा है ना, ड्राई शेड वगैरह जो रहता है ना उसका, वो तुलसी बाग का है। वो वाला तुलसी बाग, वो तुलसी बाग का है। तुलसी बाग में बैठेंगे, गोंदड़ी पूरा करके है उधर का। ये धर्मपेट का है, धर्मपेट का ट्रैफिक, बहुत बढ़िया लग रही है। ट्रैफिक पार्क जो है ना धर्मपेट में, वहाँ का है ये, वही पे रोड पे बैठी है मूर्ति। ये कब जाने वाली है? ये भी 18 को जाएंगी, तीन मूर्तियां मतलब 18 को जाने वाली है, धर्मपेट, गावलीपुरा और ये भी धर्मपेट। अच्छा। और गोकुलपेट, ये तीन मूर्तियां कल जाने वाली है। ये राम जी है, राम जी पैटर्न में है। अच्छा। ये टोटल 8 फीट में जाने वाली है। हाथ वाथ पकड़ के, मतलब जो धनुष बांध रहते हैं ना वो पकड़ के, तो आइए ना इधर आइए, बताओ। यहाँ से पूरा धनुष बाण लगने वाला है बड़ा, यहाँ से फिटिंग हुआ, वो इधर से फिटिंग हुआ पूरा धनुष बाण, वो अभी लगने का ऊपर से ऊपर तक का। हाँ, वो इसमें प्लाईओवर इसमें करने वाले काम, और भी ज्यादा बढ़िया लगेंगे। और ये कामठी जी, कामठी का राजा, कामठी में बैठी है मूर्ति। ये पैटर्न और पैटर्न सेम है, थोड़ी सी तिरछी इसकी, तिरछी मुंडी है मुंबई पैटर्न में। अच्छा। ये नॉर्मल की है, क्योंकि एक जैसी मूर्ति नहीं बना सकते ना, है ना, तो इसीलिए अलग बना थोड़ी सी। ये तुलसी बाग का है। और आइए इधर, ये चिंतामणि पैटर्न है। चिंतामणि पैटर्न नागपुर में बहुत कम है, कम है। हाँ। हाँ, जो मतलब ऐसा तिरछी मूर्तियाँ बनाते हैं। हाँ। है ना, तिरछी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ये अपन पैटर्न नागपुर में दिए है, बिल्कुल तिरछी मुंडी, तिरछी जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज जो बात, मतलब कैसा तरीका है बनाने का मुंबई पैटर्न का, वो पूरा अपन ने नागपुर में मिट्टी में काम किया है। ये चिंतामणि फेस है पूरा, ये रेवती नगर का राजा है। तो भैया जैसे देख पा रहे होंगे, भैया ने बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही बढ़िया जो है भाई सुंदर और मनमोहक जो है मूर्तियाँ बनाए हैं। तो भैया अगर किसी को अगर अभी ऑर्डर वगैरह देना हो, मतलब कि अगले साल, तो कम से कम 3 महीना पहले, 3 महीना पहले जो ऑर्डर करना पड़ेगा, और 1.5 महीना पहले मैं बुकिंग बंद कर देता हूँ, मतलब 1.5 महीना ही ऑर्डर लेता हूँ। अच्छा। नवरात्र की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, नवरात्र बुकिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ। तो भैया नवरात्रि जो मतलब माता की अगर किसी को मूर्ति बनानी है, तो जो है उसकी बुकिंग जो स्टार्ट होती है कब तक? हाँ। की बुकिंग, बुकिंग भैया 15 दिन की रहेंगी। 15 दिन की रहेंगी। अच्छा, तो भैया क्योंकि ज्यादा मूर्ति नहीं ले सकते ना, और कैसा पानी का मौसम रहता है, मूर्ति सूखती नहीं है, तो कैसा, और प्रॉपर कलर बैठने के लिए मूर्ति कैसे प्रॉपर सूखना चाहिए। अच्छा, है ना। तो भैया माता की मूर्तियाँ भी जो है भैया बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बनाते हैं। तो अगर किसी को भी जो है भाई मतलब ऑर्डर देना है, बुकिंग कराना है, तो आपको जो है भैया का नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी जो है नीचे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, तो भैया से आप कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ भैया। और दोस्तों इन मूर्तियों की अभी सिर्फ कलरिंग ही हुई है, सजावट करना अभी बाकी है। तो कलरिंग करने के बाद मूर्ति भैया सुंदर लग रही है, तो सजावट करने के बाद कितनी ज्यादा सुंदर लगेंगी। इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो भैया जो है बहुत ही अच्छे है, और बहुत ही मनमोहक और सुंदर जो है मूर्तियाँ बनाते हैं, आपने देख ही लिया हूँ। तो थैंक यू।
दोस्तों ऐसे जो है अपने चैनल पर नागपुर के सारे वर्कशॉप के जो है वीडियो आने वाले हैं। तो भाई जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अपने फ्रेंड फैमिली को भी शेयर कीजिए। गणेश चतुर्थी के लेकर गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक अपने चैनल पर कंटिन्यू भाई वीडियो आने वाले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।